हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्लेनोग्लोसस के बारे में, जो कि हेमिकोर्डेटा की टाइप स्टडी है। आज की वीडियो में इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद वन बाय वन इसके सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें, जो ब्लेनोग्लोसस होता है, इसको इसमें जो ब्लेनोज वर्ड होता है ये आया है एक्रोन से, जो कि जिसको बोलते हैं फ्रूट ऑफ ओक। एंड जो ग्लोसा वर्ड आया है ये होता है यूज टंग के लिए, एंड इसीलिए इसको बोला जाता है अकोन वर्म या फिर टंग वर्म। ठीक है, इसको अकोन वर्म या फिर टंग वर्म बोला जाता है। ये कनेक्टिंग लिंक होता है, एक इवोल्यूशनरी लिंक होता है बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, हैमी मीन्स हाफ कोडेट्स, तो ये एक लिंक है इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के बीच का। हैबिटेट क्या होगा इसका? मराइन एनिमल होता है, इनहैबिट्स ऑल द सीज ऑफ द वर्ल्ड, फाउंड इन शैलो वाटर्स बिटवीन टाइड मार्क्स अलोंग द कोस्ट ऑफ वाटर एंड टेम्परेट ओशंस। ये इसका हैबिटेट होता है। हैबिट्स के अंदर ये शो करता है बरोइंग। ठीक है, ये बरो एक्सकवेट्स करता है, खुद ही खोदता है, बरोइंग एनिमल है और इसको बोला जाता है ट्यूबलस। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बरो के अंदर रहता है ये, जैसे कि ये बरो होगी। इसकी जो बरो होती है वो होती है यू शेप की। ठीक है, ये यू शेप की इसकी बरो होती है, जिसके अंदर दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। एक होती है यहाँ पे एंटीरियर ओपनिंग, एक होती है यहाँ पे पोस्टीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग फनल लाइक होती है, पोस्टीरियर ओपनिंग राउंड होती है। एंड एंटीरियर ओपनिंग की ब्रांचिंग हो सकती है। ठीक है, पोस्टीरियर ओपनिंग की ब्रांचिंग नहीं होती है, सिर्फ एंटीरियर ओपनिंग की एक्सेसरी एंटरिंग एंटीरियर ओपनिंग हो सकती है, यानी कि इसकी ब्रांचेस हो सकती है। इसके अंदर ये अगर हम देखें, ये ब्लेनोग्लोसस, ये यहाँ पे ब्लेनोग्लोसस प्रेजेंट है। अब अगर इसकी लेंथ और विड्थ देखें, तो इस साइड अगर वर्टिकली इसके लिंब देखें, ठीक है, ये वर्टिकल लिंब जो है इसके, ये होते हैं अबाउट 50 to 70 centimeter के। एंड जो इसका ये सैंड के अलोंग विद इसका जो लॉन्गिट्यूडनल इसकी लेंथ है, ये होती है 10 to 20 centimeter की। ठीक है, ये होगी 10 to 20 centimeter की। अब ये जो बरोइंग है, ठीक है, इसकी हैबिट है ये बरो बनाने की, इसके ऊपर पोस्टीरियर एंड के ऊपर फीकल कास्टिंग प्रेजेंट होती है, जैसे कि अर्थवर्म के केस में हमने देखा था कि वहाँ पे प्रेजेंट होती है वर्म कास्टिंग, वैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे पोस्टीरियर एंड के ऊपर फीकल कास्टिंग प्रेजेंट होती है। ये मेन यू शेप की बरो हो गई। अब इसके अंदर ये जो बरोइंग है, ठीक है, बरोइंग की हैबिट है, ये बनाई जाती है, बरो बनाई जाती है प्रोबॉक्सिस के थ्रू। अगर वर्म की बात करें, जो ये वर्म होती है कॉर्न वर्म, इसके अंदर ये जो पोर्शन यहाँ पे सबसे एंटीरियर में प्रेजेंट होता है, इसको प्रोबॉक्सिस बोलते हैं। तो इस प्रोबॉक्सिस के थ्रू इसकी बरोइंग बनाई जाती है। प्रोबॉक्सिस जो है इलोंगेट हो जाता है जब इसको बरो बनानी होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स की वजह से। इसके अंदर प्रोबॉक्सिस के अंदर दो सेट्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इन दो सेट में से एक होता है यहाँ पे सर्कुलर मसल्स का सेट, सेकेंड यहाँ पे होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का सेट। ठीक है, एंड ये मसल्स जो होती हैं, ये होती हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। ठीक है, ये होती है एंटागोनिस्टिक मसल्स, मीन्स अगर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल रिलैक्स होगी। अगर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का सेट अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं, जो कि एक सेट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा रिलैक्स हो जाएगा, एंड दूसरा रिलैक्स होगा तो दूसरा जो पहला वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है या फिर एंटागोनिस्टिक मसल्स है, ये हेल्प करती है बरोइंग बनाने के अंदर। अब बरोइंग की प्रोटेक्शन की जाती है, प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एंड ये जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं इस ब्लेनोग्लोसस की, ये सिक्रीट करती है म्यूकस। ठीक है, ये सिक्रीट करेगी म्यूकस, एंड ये म्यूकस क्या करेगा, अब जो इस बर्रो की वॉल्स हैं, ठीक है, बर्रो की जो वॉल्स है उससे स्टिक हो जाएगा, बरो की वॉल से स्टिक हो जाएगा, जिसकी हेल्प से ये क्या होगा, यहाँ पे प्रोटेक्शन होती है, एंड ये फॉर्म करती है यहाँ पे प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो ये क्या फॉर्म करेगी, यहाँ पे प्रोटेक्टिव डिवाइस फॉर्म करेगी, जो कि इस बरो की प्रोटेक्शन करेगा। मूवमेंट बरो के इनसाइड ही होती है इस एनिमल की, प्रोबॉक्सिस प्रोट्रूड करके इसकी मूवमेंट होती है। फूड एंड फीडिंग कैसे होती है, अभी इसके अंदर फूड एंड फीडिंग के लिए ईट अप सैंड और मड एंड ऑब्टेन्स डायटम्स प्रोटोजोन्स
अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डेट्रिटस। ये डायटम्स हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए या फिर डेट्रिटस हो गया, इनको ऑब्टेन करता है। कहाँ से ऑब्टेन करेगा? सैंड और मड से। ये सैंड और मड ईट करता रहेगा, ठीक है, और उनमें से जो भी डायटम्स, प्रोटोजोन्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये ईटअप कर लेगा। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कैसे होगा इसका? लेस सेंसिटिव इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए लेस सेंसिटिव होता है, कोई ज़्यादा इसके अंदर सेंसिटिविटी प्रेजेंट नहीं होती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। नेक्स्ट है इसके अंदर रिप्रोडक्शन इसकी कैसे होगी। तो रिप्रोडक्शन का अगर देखें, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग होते हैं, मेल जो है उसकी बरो अलग होगी, फीमेल की बरो अलग होती है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। एंड इसके अंदर जो लार्वा होता है, डिवेलपमेंट इसके अंदर इनडायरेक्ट होगी। तो यहाँ पर एक टोर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट होगा, फ्री स्विमिंग प्लैंकटोनिक फॉर्म होती है, ये प्लैंकटोन्स के ऊपर ईट करता है। तो ये फ्री स्विमिंग टोर्नेरिया लार्वा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये इसके हो गए यहाँ पे हैबिट्स। इसके बाद इसके अगर एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, कौन कौन से इसके अंदर एक्सटर्नल फीचर्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि एक्सटर्नल फीचर के अंदर सबसे फर्स्ट अगर हम देखें, इसके अंदर साइज 10-15 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, ठीक है, जो ब्लेनोग्लोसस होता है वो 10-15 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। कलर, मोस्ट फॉर्म्स आर डल कलर्ड होती है, दो रेड स्ट्रिम्स आर प्रेजेंट, इसके ऊपर रेड स्ट्रिम्स ऐसे प्रेजेंट होती है। सिमिट्री, बाइलेटरल सिमिट्री इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, बाइलेटरल सिमिट्री प्रेजेंट होगी, दो हाफ्स के अंदर ये इक्वल हाफ्स के अंदर ये डिवाइड कर सकता है। बॉडी डिविजन्स इसकी थ्री पार्ट्स के अंदर होगी, ठीक है, तीन पार्ट्स के अंदर इसकी बॉडी डिवाइड होगी, प्रोबॉक्सिस और प्रोटोस्टोम। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है प्रोबॉक्सिस और प्रोटोस्टोम होगा, मिडल वाला होता है यहाँ पे कॉलर और मीजोसोम, एंड जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इसको बोलते हैं ट्रंक और मेटास्टोम, ठीक है, ये तीन पार्ट होंगे। अभी ट्रंक और मेटास्टोम है ये फर्दर तीन रीजन्स के अंदर डिवाइड होती है, ब्रैंकियल रीजन, हिपेटिक रीजन, कोडल और पोस्ट हिपेटिक रीजन। तो इनमें से अगर हम सबसे फर्स्ट देखें प्रोबॉक्सिस और प्रोटोस्टोम, ठीक है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है प्रोबॉक्सिस का, ये यहाँ पे प्रोबॉक्सिस हो गई, ये जो आगे वाला पोर्शन हमें नजर आ रहा है प्रोबॉक्सिस हो गई। तो प्रोबॉक्सिस और प्रोटोस्टोम के अंदर एंटीरियर मोस्ट डिवीजन होती है बॉडी की, ठीक है, एंटीरियर मोस्ट डिवीजन होगी, शॉर्ट क्लब शेप्स का स्ट्रक्चर होता है ये, होलो एंड थिक मस्कुलर वॉल्स होती है, इसकी जो वॉल होगी वो होलो एंड थिक मस्कुलर वॉल होगी इसकी। जैसे अभी हमने देखा था इसके पास दो सेट्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो इसके अंदर एक बैंड सर्कुलर मसल्स का प्रेजेंट होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का प्रेजेंट होगा। एंड इसके अलावा कम्युनिकेट्स विद द एक्सटीरियर बाय अ सिंगल प्रोबॉक्सिस पोर, इसके अंदर एक प्रोबॉक्सिस पोर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दिस वन, ये यहाँ पे प्रोबॉक्सिस पोर होता है जो क्या करेगा, प्रोबॉक्सिस सिलोम को, जो इसके अंदर प्रोबॉक्सिस सिलोम प्रेजेंट है प्रोबॉक्सिस के अंदर, उस प्रोबॉक्सिस सिलोम का कनेक्शन या फिर कम्युनिकेशन होगा इस प्रोबॉक्सिस पोर के थ्रू, सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोबॉक्सिस, जो कि प्रोबॉक्सिस के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ स्पीसीज के अंदर दो पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसके अंदर ब्लेनोग्लोसिस के अंदर यहाँ पे सिंगल पोर है, कुछ स्पीसीज के अंदर दो पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है कॉलर और मीजोसोम, ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसको बोलेंगे कॉलर और मीजोसोम। तो कॉलर और मीजोसोम मिडल एंड शॉर्ट सिलेंड्रिकल पार्ट होता है यहाँ पे, इट्स फ्लैप लाइक और फनल लाइक इंटीरियर मार्जिन होती है इसके अंदर, ठीक है, एक फनल लाइक और फ्लैप लाइक एंटीरियर मार्जिन होगी जिसको बोला जाता है कोलारेटे, ठीक है, इसको कोलारेटे बोला जाता है। सराउंड्स एंड कंसील्स द प्रोबॉक्सिस स्टॉक एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्रोबॉक्सिस, ये जो प्रोबॉक्सिस का पोस्टीरियर पार्ट है या फिर प्रोबॉक्सिस स्टॉक है इसको ये कंसील करके रखता है, इसको ये सराउंड करके रखता है इस, और इस पोर्शन को बोलते हैं कोलारेटे। वेंट्रली बिलो द प्रोबॉक्सिस स्ट्रोक, प्रोबॉक्सिस स्ट्रोक के वेंट्रली अगर हम देखें, द कोलारेटे और कोलर रिम इसको बोलते हैं, इनक्लोजिस अ परमानेंटली ओपन वाइड अपरेचर जिसको माउथ बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, अब एक माउथ प्रेजेंट होता है।
यहाँ पे ये माउथ प्रेजेंट होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है प्रोबोक्सिस स्टॉक के बिलो, एंड इसको ये कोलर रिम क्या करता है, परमानेंटली एनक्लोज करता है, एंड ये ओपन वाइड अपर्चर होता है माउथ. इट ओपन्स इनटू द बकल कैविटी इनसाइड द कोलर. कोलर के अंदर ये क्या करेगा, बकल कैविटी के अंदर ओपन हो जाएगा. एंड अगर ये देखिए यहाँ पे ये कोलर सिलोम प्रेजेंट है, ये कोलर सिलोम प्रेजेंट है, ये आउटर रिंग मस्कुलर लेयर है, ये इनर रिंग मस्कुलर लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है. इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, द पोस्टीरियर एंड ऑफ द कोलर इज वेल डिमार्केटेड फ्रॉम द ट्रंक बाय अ सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन. एक सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन होती है जिसके थ्रू जो यहाँ पे कोलर का पोस्टीरियर पार्ट है एंड ट्रंक का इंटीरियर पार्ट है, ये दोनों की, इन दोनों की क्या होती है यहाँ पे डिमार्केशन होती है, यानी कि ये देखने को मिलती है कि ये क्या है, यहाँ से सेपरेट है. लाइक यहाँ पे कोलर ट्रंक सेप्टम ये प्रेजेंट है, कोलर ट्रंक सेप्टम यहाँ पे प्रेजेंट है जो इनको अलग अलग करके रखेगा. द वॉल ऑफ द कोलर इज थिक हाईली मस्कुलर एंड इनक्लोजेज अ कैविटी कोलर सिलोम. ठीक है, कोलर सिलोम को ये कंटेन करती है, थिक एंड हाईली मस्कुलर होती है, लाइक आउटर रिंग इनर रिंग मस्कुलर लेयर की यहाँ पे एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये हाईली मस्कुलर लेयर होती है. इट ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू अ पेयर ऑफ कोलर पोर्स. अब ये जो कोलर सिलोम है इसका कम्युनिकेशन होगा बाहर की तरफ थ्रू दिस कोलर पोर इनटू द फर्स्ट पेयर ऑफ गिल पाउचेस. इसके अंदर गिल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं एंड जो फर्स्ट पेयर ऑफ गिल पाउच होता है, लाइक ये क्या है यहाँ पे, ये गिल पाउच है, जो फर्स्ट पेयर ऑफ गिल पाउच है उसके अंदर ये ओपन हो जाते हैं कोलर पोर्स. ठीक है, कोलर पोर्स उसके अंदर ओपन हो जाएंगे. इसके बाद थर्ड है ट्रंक और मेटाजोन. ट्रंक और मेटाजोन के अंदर पोस्टीरियर एंड लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी का. ठीक है, ये जो पोस्टीरियर एंड लार्जर पार्ट होगा बॉडी का, ये वाला यहां से लेके यहां तक का, इसको ट्रंक और मेटाजोन बोला जाता है. अपीयर्स एनुलेटेड ड्यू टू सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑन द सर्फेस. ये एनुलेटेड ऐसे एनुलेटेड नजर आता है क्योंकि इसके सर्फेस के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है. All along its length, the trunk bears mid-dorsal and mid-ventral ridges. यानी कि mid-dorsal, अगर इसकी dorsal side देखें तो यहाँ पे mid-dorsal and अगर इसकी ventral side देखें तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे mid-ventral, ये एक रो यहाँ पे present होगी. All along its length, the trunk bears a mid-dorsal, mid-ventral ridges. एक ridge contain करती है, each accommodating its corresponding nerves and ब्लड वेसल, जो क्या अकोमोडेट करेगा यहाँ पे, इसके नर्व एंड ब्लड वेसल्स को अकोमोडेट करेगा. इसके तीन रीजन्स होते हैं, ब्रेंकियल रीजन, हिपेटिक रीजन, कॉर्डल और पोस्ट हिपेटिक रीजन. तो इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, ये सबसे फर्स्ट ब्रेंकियल रीजन है, इसके बाद सेकंड यहाँ पे हिपेटिक, इसी के हिपेटिक रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड थर्ड वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोस्ट हिपेटिक और कोडल रीजन, यानी कि टेल वाला रीजन यहाँ पे होगा. तो अगर ब्रेंकियल रीजन की बात करें, ब्रेंकियो जेनिटल रीजन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे ब्रेंकियो जेनिटल रीजन, तो ब्रेंकियो जेनिटल रीजन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं अ पेयर ऑफ लेटरल थिन फ्लैट एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं. द जेनिटियल विंग्स कंटेनिंग द गोनेट्स, एंड जो इसकी ये जो जेनिटियल विंग है ये कंटेन करती है गोनेट्स को. तो यहाँ पे लेटरल थिन फ्लैट एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं इस रीजन के अंदर. द एंटीरियर हाफ ऑफ द ब्रेंकियो जेनिटल रीजन बियर टू लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ स्मॉल ब्रेंकियल अपरेचर्स. यहाँ पे अब इसके एंटीरियर रीजन के अंदर दो ब्रेंकियल अपरेचर्स प्रेजेंट होंगे जिनको बोला जाता है गिल पोर्स. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे गिल पोर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ स्मॉल ब्रेंकियल अपरेचर्स. वन रो ऑफ द गिल पोर्स इज माउंटेड ऑन प्रोमिनेंट लॉन्गिट्यूडनल रिज. अब इनमें से वन रो जो होगी इन गिल पोर्स की, वो माउंटेड होती है प्रोमिनेंट लॉन्गिट्यूडनल रिज के ऊपर. और ईच साइड ऑफ द मिड डोर्सल रिज, जो इसका मिड डोर्सल रिज होगा उसके यहाँ पे दोनों साइड ये क्या कर रही है, यहाँ पे माउंट करती है. द नंबर ऑफ गिल पोर्स इंक्रीज विद द एज ऑफ द एनिमल. जैसे जैसे एनिमल की एज इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसके अंदर पोर्स भी इंक्रीज, गिल पोर्स भी इंक्रीज होते रहेंगे. द टू जेनिटियल विंग्स कैन बी कर्व्ड
टू मीट मिड डोर्सली टू कंसील द गिल पोर्स एंड इसकी जो मिड डोर्सल ये मिड डोर्सल रिज यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो दो जेनेटियल विंग्स यहाँ पे है वो कर्व कर जाएंगे एंड मिड डोर्सली ये मिल जाएंगे, ठीक है, मिड डोर्सली ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे मिल जाएंगे टू कंसील द गिल पोर्स, गिल पोर को कंसील करने के लिए। एंड इसके बाद है नेक्स्ट हिपेटिक रीजन, यानी कि जो मिडल वाला रीजन है हिपेटिक रीजन, हिपेटिक रीजन समवेट स्मॉलर देन जेनिटल रीजन, जेनिटल रीजन से स्मॉलर होता है। इट इज ग्रीनिश इन कलर एंड डोर्सल सरफेस इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस इंटेस्टिनल सेक्यूलेशंस, इसके अंदर न्यूमरस इंटेस्टिनल सेक्यूलेशंस प्रेजेंट होती है प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोजेक्टिंग हिपेटिक सीके ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के ये हिपेटिक सीके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिससे प्रोड्यूस होते हैं इंटेस्टिनल सेक्यूलेशंस अलोंग द बॉडी वॉल, बॉडी वॉल के अलोंग विद। इसके बाद थर्ड है एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन या फिर पोस्ट हिपेटिक रीजन जिसको हम बोलते हैं, तो इसके अंदर एब्डोमिनल रीजन लॉन्गेस्ट और सिलेंड्रिकल होता है। इट टेपर्स ग्रेजुअली एंड फॉर्म आ टर्मिनल एनस, ग्रेजुअली ये टेपर कर जाता है और टर्मिनल एनस फॉर्म करता है। द सिलोम ऑफ द ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू टू लेटरल क्लोज कैविटीज। अब इसके अंदर टेल के अंदर या फिर जो इसका पोस्ट कोडल रीजन है उसके अंदर यहाँ पे टू लेटरल क्लोज कैविटीज प्रेजेंट होती है बाय अ वर्टिकल पार्टीशन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। अब जैसे गट ये प्रेजेंट है, नेक्स्ट ये बॉडी वॉल हो गई इसकी, इनके बीच में यहाँ पे, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे सिलोम प्रेजेंट होगा एंड सिलोम यहाँ पे डिवाइडेड होता है दो लेटरल क्लोज कैविटीज के अंदर, ठीक है, दो लेटरल क्लोज कैविटीज के अंदर यहाँ पे डिवाइड होता है। सिलोम हम अलग से डिस्कस करेंगे कि प्रोबोक्सिस का सिलोम कैसा होता है एंड ट्रंक का सिलोम कैसा होता है, कोलर का सिलोम कैसा होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर सिलोम प्रेजेंट होंगे जो कि हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसकी बॉडी वॉल एंड इसकी जो यहाँ पे इसकी जो गट वॉल है इनके बीच में जो सिलोम प्रेजेंट है, तो हम डिस्कस करेंगे बॉडी वॉल एंड सिलोम जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन कौन से होंगे। थैंक यू सो मच।